वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का पाठ हम शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था, माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि वे भगवान की अगूर वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। तो जब तक मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आप लोग चैनल देख रहे हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और चैनल सब्सक्राइब करिए, उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पूरा वीडियो देखिए, चाहे उसको फॉरवर्ड करके देख लीजिए, तो देखते रहिए चैनल। तो आज का पाठ हम शुरू करते हैं। निज निज आसन बैठे बहु बनाव करी सरित समाजा, मुनिमन हरिष रूप अति मोरे, मोही तजी आनही बरही ना भोरे। राजा लोग खूब सजधज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखिकाहु न पावा, नारद जाने सभी सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानही सब भेव, विप्रवेश देखत फिरही परम कौतकी तेव। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अस्मृति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई नको। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहीं कूट नारद ही सुनाई, नीकी दीन ही हरि सुंदर ताताई, रीजहीं राज कुमारी छवि देखी, ई नहीं बरहीं हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इनको ही खास तौर से वरेगी। मुँह नहीं मोह मन हाथ पर आए, हंसहीं शंभुगण अति सचुपाए, जद भी सुनही मुनि अटपटी वाणी, समझी न परही बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। यहाँ पे वो व्यंग्यात्मक, शिवजी के गण व्यंग्यात्मक उनको करते हैं, उनकी बातों को वे, नारद जी उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित्र विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या वि देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के क्रोध
हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये रामचरितमानस का पाठ अच्छा लग रहा होगा। मैं बहुत ही हृदय से ये पाठ कर रही हूँ, मन लगा करके कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा पाठ अच्छा लगे। जैसी दिखी दिसी बैठे नारद भूली, सो दिसी तेही न बिलो की भूली। मुनि 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 उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिसो नारद जी भूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं, उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। मैं ये पाठ कर रही हूँ ताकि मैं एक मंदिर बनवाने का जो मैंने पढ़ लिया है मैं उसे पूर्ण कर सकूँ। अगर मुझे YouTube से कोई इनकम नहीं होती है तो फिर मैं वो नहीं कर पाऊँगी। मैं इंडिपेंडेंटली चाहती हूँ बनवाना। तो आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करते रहें मेरा चैनल और पूरा वीडियो देखें और अपने मित्रगणों को और परिवारजनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धरी नृप तनु तह गयउ विक्रबाला, कुंवारी हर्षि मेले उ जयमाला। दुल्हिनी लैगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भवन भी शरीर राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले आए, भासारी राजमंडली निराश हो गई। ये एक अच्छे कार्य के लिए कार्य किया जा रहा है, अच्छे कार्य के लिए भी है और अच्छा कार्य भी है, क्योंकि मैं रामचरितमानस का पाठ पढ़ रही हूँ। ये एक अच्छा कार्य है और दूसरे अच्छे कार्य के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो मंदिर की स्थापना का है। तो इसे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इसमें व्यूज़ भी आने चाहिए सो दैट कि मुझे उससे यूट्यूब से कुछ इनकम हो और मैं उस कार्य को पूर्ण कर पाऊँ। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मणिगिरी गई छूटी जनु रघाटी। तब हर गण बोले मुस्काई, निजमुर मुकुर बेलोक हो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इससे वे बहुत ही विकल हो गए मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीक मुनि वारी निहारी। वेशूर बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनही शराब दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा, अपना मुंह देखकर उनको बहुत क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निसाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हसे हु हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसी हु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माहे, सदवी चले कमलापति पाहे। मुनि ने भी जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ भड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले।
देहूं शाप की मरिहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले तनु धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा, उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच में रास्ते में मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, बासा माया बसना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया, माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी। मदत सिंधु रुद्रही बौरहूँ, सुरनह पेरी विष प्राण कराए हूँ। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मत्थे समय तुमने शिवजी को बड़ा बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विश्वान कराया। असुर सुरा विश्व शंकर ही आपू रमा मनिचारू, स्वारत साधक कुटिल तुम्ही सदा कपट व्यवहारू। असुरों को मदिरा और शिव को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मनी ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर बर हो कोई, भाव ही मन ही करहूँ तुम्ही सोई। भले हूँ मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर बर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं पाते। दय की परिचेहू सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुमही ना बाधा, अब लगी तुमही ना काहू साधा। सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब वायन दीना, पावहु के भल आप कीना। बंचे हु मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरई श्राप मन एहा। अब की तुमने अच्छा घर बना लिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ, और फिर मिलेंगे रामचरितमानस के एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने परिवारजनों को और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। ये एक अच्छे काज के लिए पाठ किया जा रहा है, तो इसमें अपने भागीदारी अवश्य निभाएं। थैंक यू।